आज के मुख्य समाचार। धनतेरस पर बाजार में हुई धन वर्षा, जमकर हुई खरीदारी, व्यापारियों को लाखों का हुआ मुनाफा। ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में, हजारों रुपए के साथ मोबाइल किया गया जब्त। और लालबाग में आवंटित पटाखा दुकानों पर पसरा अव्यवस्था का आलम, नगर निगम को कोस रहे व्यापारी। ट्रक चोर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, सामान सहित ट्रक बरामद। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले बस्तर की बात के तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला पल अपार खुशियों से भरा हो। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर, धनतेरस पर बाजार में जमकर खरीदारी हुई। शाम होते ही जहां बाजारों में चलने की जगह नहीं बची, वहीं देर शाम तक घरों के सामने महिलाएं रंगोली बनाने में व्यस्त दिखीं। जगदलपुर शहर के गुल बाजार स्थित संजय मार्केट में धनतेरस पर रौनक देखते ही बन रही थी। बाजार में सराफा, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर दुकानों और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा कारोबार हुआ। वहीं व्यापारियों को आगे भी दीप पर्व के अच्छे कारोबार होने की उम्मीद है। लोगों ने धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी की है। इस शुभ मुहूर्त पर नए वाहन भी खरीदे गए। सभी सेक्टर्स को मिलाकर करोड़ों रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस पर सबसे ज्यादा सराफा, बर्तन और कपड़े के बाजार में भीड़ दिखी। शुभ मुहूर्त में लोगों ने सोने चांदी के आभूषण और बर्तनों की जमकर खरीदारी की। वहीं पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश की फोटो की भी खरीदारी हुई। साथ ही पूजन सामग्रियों में फूल, बताशे, पेठा आदि की भी लोगों ने खरीदारी की। मिट्टी के दीयों की भी काफी बिक्री हुई। सजावटी सामान भी जमकर बिका। 5 दिवसीय दीप पर्व के पहले दिन धनतेरस पर शुक्रवार में बाजारों में लोगों में अच्छा खासा उत्साह नजर आया। देर शाम तक दुकानों में खरीदारी होती रही। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी सुबह से ही खरीदारी हुई। चांदी के सिक्के भी लोगों ने खूब खरीदे। धनतेरस यानी धनवंतरी दिवस होने की वजह से आज आयुर्वेदिक पौधे की भी जमकर खरीदारी हुई। लोगों ने अपने अपने पसंद के आयुर्वेदिक पौधे खरीदे और अपने घरों पर लगाए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालबाग सोढ़ी पेट्रोल पंप के सामने जगदलपुर से ट्रक चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। 14 चक्कों के ट्रक चुराने वाले आरोपी को बस्तर पुलिस ने पकड़ लिया है। सामान सहित ट्रक को संबलपुर के जंगल में छिपाया गया था। 24 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 23,92,192 रुपए है। आरोपी का नाम संदीप कुमार नेताम है, जो ग्राम लंजोड़ा पुजारीपारा थाना कुंडा गाँव का निवासी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले 3 आरोपियों पर बोधघाट पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपियों के पास से कुल नगद रकम 30,000 रुपये और 3 नग टच स्क्रीन मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपियों का नाम अघनपुर जगदलपुर के रवि पटनायक, राम प्रसाद पटनायक, वीर सावरकर वार्ड भंगाराम चौक जगदलपुर के रहने वाले हैं। रामेश्वर कुंभकार वीर सावरकर वार्ड पथरागुड़ा जगदलपुर का निवासी है। हम आपको बता दें कि बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी तारतम्य में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को ये सफलता मिली है। जगदलपुर शहर में 3 व्यक्तियों द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलवाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अवैध रूप से ऑनलाइन जुआ सट्टा पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 1 OnePlus मोबाइल और 30,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोपी पर कार्रवाई की गई है। यह मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है। आरोपी का नाम गजेंद्र पांडे है। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई इसी तारतम्य में की गई।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लालबाग में लगी पटाखा दुकानों में भारी अव्यवस्था देखी जा रही है। 11,000 रुपए में इन दुकानदारों को पटाखा दुकान लगाने लालबाग में लाइसेंस दिया गया था, मगर मैदान की हालत जर्जर हो चुकी है। इस मैदान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर कई सभाएं हुई, जिसके चलते इस जगह पर गड्ढे चारों तरफ नजर आ रहे हैं। दुकान संचालकों ने बताया कि मैदान में गड्ढे हैं, पीने का पानी, शौचालय इत्यादि की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहकों और दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने बात की कुछ संचालकों से। यह जैसे कि नगर निगम के द्वारा जो नियम बनाया गया था, दो दुकानों के बीच में एक गैप, फिर दो दुकान के बाद एक गैप, यहाँ पर जो स्टार्टिंग से ही एक नंबर से जो चालू हुआ है, एक नंबर ठीक है, दो तीन चार एक अटैच है, पाँच छः सात एक अटैच है, जहाँ आपको सिंगल सिंगल दिया गया है वहाँ पे आप दो तीन दुकान एक साथ खोल, फ्रंट 15 का है, बैक में आप 15x15 में आप करके 15x30 कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट में ही आप 30 कर ले रहे तो बाकी लोग करेंगे क्या? नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, नियम के विरुद्ध काम है। आप किसी शिकायत की है? शिकायत सर, जो मैडम आई थी, जो हम लोग को जो लाइसेंस में और जो अलॉटमेंट हुआ था उसमें जो साइन की थी मैडम, मैं उसको बोला था और उन्होंने मेरे को कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उस दुकान को हम लोग सीज करके मतलब सील कर देंगे, बंद करवाएंगे। अभी ऐसा हुआ है तो देखिए, अभी तक मैडम तो आई नहीं है। अब बात की है क्या उनसे, बताएं क्या? अभी बात नहीं हुआ मेरे को, मतलब नगर निगम वाले से पता लगा कि मैडम एक बार और आएंगी, तो उनसे मैं एक बार बात करूंगा कि मैडम जैसा आप बोले थे आप उस आप कर सकती हैं कि नहीं। अभी तो समय भी नहीं बचा है, तो कब करेंगे फिर? क्या निगम वाले के ऊपर है सर, वो जब आ जाए तभी होगा। हम तो नगर निगम के पीछे भागेंगे तो हमारा दुकान ऐसे ही बंद हो गया। वैसे 3 दिन का समय है, अभी तक दुकान सज रही है, एक की नहीं 40 की सज रही है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप जरूर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कवि लोक साहित्य परिषद में अखिल भारतीय सम्मेलन में पूरे भारत से 400 साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं भेजी थी, जिसमें उपन्यास, कहानी, कविता, गजल के अलावा अनिता राज की किताब मेरी विदेश यात्रा को भी पुरस्कृत किया गया। 106 साहित्यकारों की रचनाओं के अलावा इस पुस्तक का भी चयन किया गया, उसमें अनिता राज की किताब मेरी विदेश यात्रा भी शामिल है। कवि लोक साहित्य स्रोत से शहर की समाज से भी अनिता राज का सम्मान किया गया। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। धनतेरस पर बाजार में हुई धन वर्षा, जमकर हुई खरीदारी, व्यापारियों को लाखों का हुआ मुनाफा। ऑनलाइन जुआ सट्टा खिलाने वाले आरोपी पुलिस के गिरफ्त में, हजारों रुपए के साथ मोबाइल किया गया जब्त। और लालबाग में आवंटित पटाखा दुकानों पर पसरा अव्यवस्था का आलम, नगर निगम को कोस रहे व्यापारी। ट्रक चोर आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, सामान सहित ट्रक बरामद। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। और दीजिए मुझे इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टूवर्ड्स हेल्थ। We'll be right back.